सो हे व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं वापस आ चुका हूँ पोकेमॉन यूनाइट का और एक अमेजिंग सा गेम प्ले लेके। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम बहुत ज्यादा प्लान करके टीम लेके जा रहे हो, फिर पता चलता है सामने वाला ओपोनेंट तुम्हारे साथ फाइट ही नहीं लेना चाह रहा है? वेल, मेरे साथ ये एग्जैक्ट चीज इसी मैच में हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा, गाइस हम लोगों ने रिसेंटली 800 सब्सक्राइबर गोल भी हिट कर लिया, तो इसलिए थैंक यू एवरीवन, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। मैं टेलफॉक्स लेके खेल रहा था, मैं स्टार्टिंग का जंगल लेने टॉप लेन में चला गया था। वहां जाकर मैं अच्छे खासे जंगल पे हाथ मारा था, कुछ जंगल तो चोरी भी कर लिया मैंने एनिमीज के। लेवल अप करने के बाद मैं एनिमी बेस साइड में पुश करने का सोच ही रहा था कि तभी मेरे को पता चलता है हमारे ओपोनेंट्स हमारे लिए हमारे बुशेस में हमसे पहले कैंप कर रहे हैं। वेट, ये तो राइम हो गया। एनीवेज, एनिमीज को वाइप आउट करके इनका बीस चुराने के बाद मैं फाइनली डेलफॉक्स बन ही जाता हूँ। मतलब अब तो भाई फाइट होना है, ऑल्दो मेरे को किल तो उतना मिलता है नहीं। अब एनिमी बेस में पुश करते वक्त क्रेविनेट मेरा सबसे पहला किल तो टाप देता है, उसके बाद आता है डोड्रियो का टाइम एंड वो मेरा दूसरा किल भी टाप देता है। आई मीन चलता रहता है, टीम गेम है, मतलब क्या ही कर सकते हैं। अब दिल पे पत्थर रख के एनिमी बेस को खाली करने के बाद हम लोग चले जाते हैं रेजिलिक को मेल्ट करने के लिए, जिसको हम लोग बहुत ही इजीली सिक्योर भी कर लेते हैं। पता नहीं फॉर सम रीजन ओपोनेंट्स हमारे आ ही नहीं थे, जो कि मैं तुम लोग को मैच के स्टार्टिंग में बोल भी रहा था कि ये लोग हमसे फाइट ले ही नहीं रहे थे। रेजिलिक ओपोनेंट्स के बेस में एंटर करवा के हम लोग भी मस्त अपनी तरह स्कोर कर ही रहे थे कि अंटिल अनलेस ये स्नोरलैक्स ना आ गया। मतलब भाई ये क्या, ए भाई क्या धक्का दे रहा है, अरे भाई जा रहे हैं हमको, अरे इज्जत से तो भगाओ, क्या दिक्कत क्या है भाई। तो मैं इसके बाद यहाँ से कट लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कि इसके बाद मेरे साथ क्या होना है। चिंदियों की तरह एक का स्कोर कर लेने के बाद मैं आ जाता हूँ बॉटम लेन में रेजी रॉक सिक्योरिंग में हेल्प करने के लिए, जो कि हमारा माचे बहुत देर से मेल्ट कर रहा था एंड उसी को मिला अल्टीमेटली। उसके बाद रेजिली के आने तक कुछ खास तो हुआ नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं सब मिलकर रेजिली की सिक्योर करने के लिए। एंड रेजिली के सिक्योर करने के बाद मैं आ जाता हूँ रेक्वासा मेल्ट करने के लिए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी टॉप पाथ में बिजी थे। वैसे स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे ही नॉर्मल अटैक से मेल्ट कर रहा था, मेरे को लगा इनकेस एनिमीज आ गए तो उसके लिए यूनाइट बचा लेता। फिर धीरे धीरे करके जब मेरी टीममेट्स इकट्ठे होने लगे तो मैं अपना यूनाइट चला ही देता हूँ एंड हम लोग को सक्सेसफुली रिक्वाजा मिल ही जाता है। वैसे तुम में से किसी ने नोटिस किया, हमारे ओपोनेंट्स अभी भी उस रेजिलिकी को रोके जा रहे हैं जबकि हम लोगों ने पूरा रिक्वाजा खाली कर दिया। वैसे एनीवे ओपोनेंट्स का टायरेंटर और एप्सोल स्टील करने आए तो थे, लेकिन यार तब तक हम लोग को शील्ड मिल चुका था रिक्वाजा का। एनीवे जब मैं स्कोर करने जा रहा था तभी मेरे को रस्से में डोड्रियो मिल जाता है, जिसको मार के मैं सक्सेसफुली स्कोर करने चला जाता हूँ। एंड स्कोर करने के बाद हम लोग यही पे फाइट लेते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लीड में थे, तो थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे थे अभी। सो एट द एंड आई रियली होप कि तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, डेली ऐसे वीडियोस और देखते रहने के लिए। वैसे कैसे हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो अगर मन करे तो थोड़े मेरे वीडियोस को शेयर भी कर देना ताकि हम लोग 2023 से पहले 1K हिट कर ही जाए। वेल देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं तुम लोग और एक नया वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट एंड टेक केयर।